सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 6 सालों में उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विकास हुआ वो सराहनीय है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सहारनपुर वासियों के बीच विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, जहां चाह वहां राह, अपने आप रास्ते बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सब करके दिखा दिया। जो लोग जातिवाद की बात करते थे, उन्होंने न केवल अपनी जाति का शोषण किया है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधाओं से वंचित भी किया है। आपने देखा होगा कैसे लोगों को वंचित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों, प्रदेश में 54 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। 54 लाख से अधिक गरीबों को, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत योजना या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना बीमा का कवर केंद्र और राज्य सरकार की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है।